हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स दीकूज द बीजन गोल्डन एज का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको यहाँ पर सीख हो जाएगा, एस के जगह गलत हो गया, सी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले एक टाइम निश्चित कर लीजिए और उसको बनाना चालू करिए, कोई एग्जाम नहीं है। और इसको बनाने के बाद इसका आंसर जो है लास्ट में दिया गया है। तो नेम द ट्राइबल लीडर्स, आपको ट्राइबल लीडर्स लिखना है। इन द 1780s द संथाल रिवेलियन वॉज लीड बाई, इन 1855 द संथाल रिवेलियन वॉज लीड बाई 4 ब्रदर्स। तो यहाँ पर दो संथाल है, एक मैंने 1780s को, 1855 को। फिर 1800 मुंडा रिवोल्ट वॉज लीड बाई, 1862 जयंतिया रिवेलियन वॉज लीड बाई। तो इसको आपको यहाँ पर करना है, वरना इसका आंसर जो है वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। और इसका PDF फाइल भी इसको आपको जो डिस्क्रिप्शन में है दे दिया गया है, और इसका नोट्स का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मूव करते हैं थोड़ा सा ऊपर, अब क्वेश्चन नंबर 1 को उतार लीजिए या आंसर जो भी करना है। फिर 1600 में वन वर्ड देना, गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। जैसे आसाम वाज रूल्ड बाय दीज किंग फॉर ऑलमोस्ट 600 ईयर्स, तो इसको देखना है 600 ईयर्स को। मैं ऊपर करते जा रहा हूँ। ई भी है यहाँ पर, इसको आप आंसर्स को लिख लीजिए और उसका क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर लिखिए, उसके बाद आंसर को मैच करिए। फिर है स्टेट ट्रू और फॉल्स, मैनी आदिवासी प्रैक्टिस सब्जिस्टेंस फार्मिंग, तो ट्रू है या फॉल्स है इसको लिखना आगे। फिर यहाँ से ये ट्रू फॉल्स बी का था, छोटा नागपुर एरिया हैड ए लार्ज टी स्टेट, ट्रू है या फॉल्स है। वेन द राजा ऑफ सिंघभूम, यहाँ सिंघभूम में आप लोग एच कर लीजिएगा, SINGH है, सिंह भूम है। एक्नॉलेज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी द कोल्ड रोज इन रिवेलियन, ट्रू फॉल्स को करना है। अगर आप कहीं आंसर आपका गलत हो रहा है तो इसका वीडियो जो है नोट्स अपलोड किया गया है, 4 पार्ट में है, उसको एक एक पार्ट देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको भी आप एक एक करके करते जाइए, देखिए पढ़िए। फिर यहाँ ए हो गया, फिर जाके बी का आप देखिए 4 ऑप्शंस है। फिर मूव कर रहे हैं आगे हमें सी का, व्हाट वाज द रीजन फॉर द संथाल अपराइजिंग इन 1780s, तो यहाँ से सी का क्वेश्चन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, 4 ऑप्शन ये है। द संथाल हैड टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश, फिर डी का क्वेश्चन सी है, इसका ऑप्शन सी यहाँ है 4। उसका आंसर इन ब्रीफ में 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल रूल, व्हाई डिड द नॉर्थ ईस्ट एरिया बिकम इम्पोर्टेंट टू द ब्रिटिश, एंड व्हाई वर द ब्रिटिश कीन ऑन कंट्रोलिंग द छोटा नागपुर रीजन। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिखिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, आंसर मैच करिए जितना था 1 2,
और जो अगर नहीं समझ में आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन में डालिए, हम आप सर इसका आप जो कमेंट बॉक्स में डालिए उसको, हम फिर उसको समझाने का कोशिश करेंगे। जूम क्लास के थ्रू आपको लिंक भेजा जाएगा, वहाँ से समझाया जाएगा, फिर टू का मैच करिए आंसर। टू के बाद जाके फिर आप थ्री का आंसर मैच करिए। टू का जी का है फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, फिर जो ट्रू फॉल्स था थ्री का मैच करिए। फोर एमसीक्यू उसको मैच कर लीजिए। फिर फाइव का तीन क्वेश्चन था उसका भी एक आंसर दिख रहा है। फिर ए के साथ बी भी आप देख लीजिए, इंडो चाइना एंड बर्मा वार का है। और नहीं अगर सही हो रहा तो उस क्वेश्चन को याद कर दीजिए, और उसमें भी नहीं समझिएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको जूम क्लास के थ्रू उस टॉपिक को समझा दिया जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा। सी को मैच करिए।